बिग बॉस की अदालत में प्रियंका चार चौधरी पे ये आरोप है कि प्रियंका ने जानबूझ के कभी भी दोस्तियां नहीं बनाई, अकेले होने का ड्रामा किया, अकेले रहकर जानबूझ के लोगों को अपने साथ भिड़वाया और फिर ये कहा कि देखो मैं अकेली हूं और पांच पांच लोग मुझ पे चढ़ रहे हैं, पांच पांच लोग मुझसे लड़ते हैं। ये दावा बिल्कुल ही बिल्कुल झूठ है, क्योंकि साफ तौर पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्रियंका चार चौधरी ने कभी दोस्तियां नहीं बनाई। अगर शिव ठाकरे की बात करें तो शिव ठाकरे का बिग बॉस 16 में अगर कोई पहला दोस्त था तो वह प्रियंका चार चौधरी। शिव ने खुद आज के एपिसोड में कहा कि हम पहले 5-7 दिन साथ में बैठ रहे थे, बट उसके बाद जब शिव निमृत से कनेक्टेड हुआ और निमृत के साथ कनेक्शन में आने की वजह से शिव के माइंड में भी प्रियंका को लेके हेट आने लगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब शिव ने प्रियंका और अंकित दोनों को अलग किया। एक टाइम ऐसा आया जब शिव साजिद के साथ इन्फ्लुएंस होकर प्रियंका चार चौधरी के अगेंस्ट चलने लगा, तो फिर जाहिर सी बात है दोनों में लड़ाई झगड़ा होना स्वाभाविक है। एक टाइम ऐसा था जब प्रियंका चार चौधरी अर्चना के पास बैठा करती थी और अर्चना गौतम को इस घर में अगर किसी ने समझाया, किसी ने सही रास्ता दिखाया, अर्चना गौतम के एविक्शन पर भी अर्चना गौतम को समझाया है, उसके बुरे में भी उसे सपोर्ट किया है, तो वह प्रियंका चार चौधरी। प्रियंका चार चौधरी ने अर्चना के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उसे सपोर्ट किया था, चाहे अर्चना का साजिद के साथ कोई मुद्दा हो या फिर अर्चना जब टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो और अर्चना को एक सपोर्ट की जरूरत थी, तब भी प्रियंका चार चौधरी ने अर्चना का साथ दिया था। अब किसी ने यह कहा था कि जैसे ही अर्चना प्रियंका के अगेंस्ट कुछ बोलने पे, जैसे ही अर्चना ने प्रियंका के अगेंस्ट अपना मुंह खोला, प्रियंका ने अर्चना को रुला दिया, प्रियंका ने अर्चना से अपनी दोस्ती तोड़ ली। जी नहीं जनाब, प्रियंका चार चौधरी को अर्चना से कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्रियंका चार चौधरी यह जरूर देखते कि अर्चना मेरी दोस्त होकर मेरे साथ रहकर अगर मुझे ही कर्ज देगी, अगर मेरे बारे में इतना गंदा बोलेगी, मेरी पर्सनल चीजों के बारे में, मेरे और अंकित के बीच में आने की कोशिश करेगी, अंकित को लेकर कोई पर्सनल कमेंट करेगी, तब प्रियंका चार चौधरी इतना हक जरूर रखती है कि प्रियंका चार चौधरी अपने आप को अवॉइड करे अर्चना गौतम से। एक्चुअल में तो वो अर्चना गौतम है जिसने प्रियंका की दोस्ती को कभी वैल्यू ही नहीं दी, क्योंकि प्रियंका ही वो इंसान है, जब अर्चना का कहना कि एविक्शन हुआ था तो प्रियंका ही एक वो इंसान है जिसे बुरा लगा था, और अर्चना जब वापस आई थी तब प्रियंका, अंकित और सौंदर्य वो लोग थे जिन्हें काफी अच्छा फील हो रहा था, तो प्रियंका ने अर्चना के साथ अपनी दोस्ती काफी अच्छे से निभाई थी, लेकिन अर्चना की कुछ पर्सनल चीजों के लिए थे। जो अर्चना का एक नेचर है कि वो अपने फ्लो में निकल जाती है, प्रियंका को वो नेचर पसंद नहीं आया, जब अर्चना बार बार कंटिन्यूसली प्रियंका को टारगेट करती थी, पोक करती थी और पर्सनल चीजें बोलती थी, कर्स करती थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रियंका ने अर्चना को चीट किया। एंड द थर्ड वन इज अबाउट शालिन मनोज। अगर इस घर में शालिन मनोज को किसी ने समझाने की जरूरत की है, अगर किसी को ऐसा लगा है कि वो शालिन और टीना का सोल्व करवा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस पूरे घर में शालिन और टीना का जो भी चलता है हर इंसान को फेक ही लगा है। अगर प्रियंका ने इतनी हिम्मत रखी कि वो इनके बीच में एक मध्यवर्ता बन के जिसने इन दोनों का रिलेशन सोल्व करवाने की कोशिश की, तो आप ये नहीं कहोगे शिव ठाकरे की प्रियंका चार चौधरी फेक है, क्योंकि प्रियंका को शालिन के साथ कोई बॉन्ड नहीं था, शालिन का सपोर्ट भी उसने चाहिए, और एटलीस्ट हम सभी को पता है एक्चुअल में कि शालिन मनोज वो इंसान नहीं है जिसके सपोर्ट की जरूरत प्रियंका चार चौधरी को पड़ेगी। हाँ, मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूं दैट अर्चना इज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, और प्रियंका को मंडली के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी करनी थी, एक दीवार खड़ी करनी थी, तो प्रियंका को अर्चना की जरूरत पड़ी। अगर आप एक समय के लिए ऐसा हो तो मैं मान लूंगा, लेकिन प्रियंका को शालिन भनोत की जरूरत पड़ेगी ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। टीना दत्ता की इमेज अगर आज थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली है इन पॉजिटिव लाइमलाइट में आई है, तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन है प्रियंका चार चौधरी। क्यों? क्योंकि टीना और प्रियंका जब एक साथ रहने लगे थे लास्ट के दिनों में, तो कहीं ना कहीं टीना में मुझे वो अल्फा फीमेल देखने को जिसने प्रियंका के साथ रहते हुए साजिद के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाना सीखा, जिसने प्रियंका के साथ रहते हुए शालिन को भी बैंगन रिप्लाई दी और अपने गेम में क्लैरिटी से वो खेली है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रियंका ने सभी से दोस्तियां तोड़ ली, हर एक का अपना अपना रीजन है यार। शिव खुद प्रियंका से हट गया था और निमृत के साथ जाके मिल गया था, शालिन ने तो प्रियंका को इतना कंफ्यूज कर दिया था कि बिग बॉस ने शालिन से बोला कि जाओ और प्रियंका से लड़ लो, तो शालिन कन्फेशन रूम से आने के बाद प्रियंका से खुद लड़ा है। अर्चना गौतम ने प्रियंका को खुद ही छोड़ा था और खुद ही पकड़ा, क्यों? क्योंकि अर्चना को कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि प्रियंका की बैशिंग हो रही है हर हफ्ते, प्रियंका को लगातार डांटा जा रहा है, तो प्रियंका भी नेगेटिव दिख रही है। अर्चना ने बड़े ही माइंडसेट के साथ अपना एक प्रॉपर सिचुएशनली सेटल करके प्रियंका को छोड़ा, और जब अर्चना को दिखा कि मैं गलत जा रही हूं, प्रियंका सही जा रही है, तब अर्चना दोबारा से प्रियंका के पीछे आ गई, नहीं तो प्रियंका ने तो अर्चना को छोड़ा भी नहीं और प्रियंका ने अर्चना को पकड़ा ही नहीं, अर्चना ही वो है जिसने प्रियंका को छोड़ा था, और 2 महीने के बाद अर्चना ने प्रियंका को पकड़ लिया। और शिव ठाकरे ने एक और बात कही कि प्रियंका चार चौधरी ने शालिन मनोज के साथ जो किया, गाइस अगर मैं आपको 2 दिन पहले ले जाऊं तो एक सीन चला था, एमसी स्टैन और शालिन बैठे हुए थे और शिव भी वहीं था। एमसी स्टैन ने शालिन मनोज को शिव के सामने ये चीज बोली थी कि जो तो अपनी ट्रिप चलाता ना, जो तो अपना गेम खेलता है अच्छे इंसान का, और ये हाइप कर लेना खुद को और फिर शांति से बैठ जाना ताकि दूसरे वाला चिल्लाता रहे, तो ये गेम तुमने प्रियंका के साथ बड़े अच्छे से खेला है। ये बात अर्चना भी बोलती है कि शालिन तुमने प्रियंका को भी चीट किया। ये बात शिव के सामने एमसी स्टैन ने बोली थी कि तूने जो प्रियंका के साथ किया ना वो तू हमारे साथ करने की कोशिश ना कर, क्योंकि एक्चुअल में उन लोगों को भी पता है कि प्रियंका और शालिन में अगर कोई गलत था तो शालिन
अगर उस घर में आप 10 लोगों को खड़ा कर दोगे और 10वें नंबर पे शालिन होगा ना, तो शिव यही कहेगा कि हाँ शालिन 10वें नंबर पे रहना डिजर्व करता है। शिव शालिन को पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, लेकिन जब प्रियंका के अगेंस्ट कुछ पॉइंट बनाना होता है तब शिव बहुत ही इजीली शालिन को यूज करता है। जैसे 2 दिन पहले स्टैन और शालिन का एक मसला चल रहा था, तो स्टैन ने उस मसले में शालिन को गलत साबित करते हुए प्रियंका को ओवर द टॉप रखा था कि प्रियंका पूरी सही थी, तूने घटिया गेम खेला प्रियंका के साथ। आज अगर प्रियंका के अगेंस्ट हमें कुछ बोलना है तो आज हम फिर से शालिन को लाते हैं और ये बोलते हैं कि प्रियंका ने शालिन को चीट किया। So, actual में जो बात कही गई कि बिग बॉस के 16 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बंदे ने कभी भी दोस्त नहीं बनाए, मैं कह रहा हूं प्रियंका ने कभी दोस्त नहीं बनाए, 16 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ है और ऐसा पहली बार होगा कि बिना कोई दोस्त बनाए प्रियंका चार चौधरी बिग बॉस सीजन 16 की ट्रॉफी जीतेगी। सो गाइस आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है कि क्या प्रियंका ने दोस्तियां बनाने की कोशिश की लेकिन प्रियंका का नेचर ही कुछ ऐसा वो दोस्तियां चली नहीं, और मंडली के बारे में जो बात हुई कि शिव कन्वीनियंस की दोस्ती करते हैं, इसके बारे में जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।